सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को पेशावर बीआरटी की तहकीकात से रोक दिया है। अदालत ने बीआरटी मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर बीआरटी मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने कहा कि बीआरटी मंसूबे पर 2018 में काम शुरू हुआ और इसका डिजाइन भी कई बार तब्दील हुआ, जबकि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बगैर वजूहात के जारी किया गया। सूबाई हुकूमत के वकील का कहना था कि पेशावर हाईकोर्ट ने वो फैसला दिया जिसकी दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा ही नहीं की थी, बल्कि दरख्वास्त गुजार सिर्फ अपने घर के सामने तामीराती काम रुकवाना चाहते थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि बीआरटी मंसूबे की इब्तदाई लागत कितनी थी, तकमील की इब्तदाई तारीख क्या थी, मंसूबा कब मुकम्मल होगा बताया जाए। इस पर वकील केपी हुकूमत ने कहा कि मंसूबा रवा साल 31 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। इससे कबल पेशावर हाईकोर्ट ने एफआईए को पेशावर मेट्रो बस मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया था।